सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है, ये 2024 के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले एक बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, इससे लोगों में निराशा है। और जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इसी बात का साफ संकेत है। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सत्ता, सारे मंत्री और विधायक, राजभर जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी, अपना दल, महान दल, सारी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। और 1,24,000 वोट वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला, 43,000 वोटों से जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि अब जनता मन बना चुकी है भारतीय जुमला पार्टी को हटाने के लिए। और उपचुनाव के पूरे नतीजे को अगर आप देखते हैं तो यह भी साफ हो गया है कि इंडिया का गठबंधन जो है वो बुरी तरीके से बीजेपी को पराजित करेगा, एनडीए को पराजित करेगा। इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। जो एनडीए सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन हराएगा, हटाएगा, तो इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। ये भी इस बात का संकेत है। बंगाल का उपचुनाव का नतीजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम टीएमसी ने किया, 96,000 वोट मिले, 1,35,000 वोट झारखंड में मिले, जेएमएम का प्रत्याशी वहां से जीता, 1,24,000 वोट घोसी में मिले, 80,000 वोट केरल में मिले। तो पूरा का पूरा जो इंडिया का गठबंधन दल है उसका जो परिणाम है उपचुनाव का, ये भी यही कारण है मोदी जी के घबराने का। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया है तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। इतनी घबराहट, इतना डर, इतना भय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा तो आप देश का नाम ही बदल देंगे, कहेंगे ना हम इंडिया रखेंगे ना भारत रखेंगे, हम देश का नाम बीजेपी रखेंगे। ये किस प्रकार का डर और भय है? ये तो देश के साथ धोखा है कि आप देश का ही नाम बदलने पर उतारू हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसका आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। अब मोदी जी घबरा के इंडिया का नाम ही बदल रहे हैं। एम्स, इसरो, आईआईटी, आईआईएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब में तो इंडिया लगाया, कहां कहां बदलोगे आप भाई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है हमारे पासपोर्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा रहता है नोट में, तो सब कुछ आप बदल दोगे? तो इसलिए ये घबराहट का नतीजा है। और तीसरा विषय जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, ये मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलके 5 साल तक लूट की खुली छूट चाहते हैं और इसी के कारण वो चुनाव से भाग रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये होगा कैसे किसी को समझ में नहीं आता। आप मान लीजिए एक बार सारे देश का चुनाव एक साथ करा दीजिए, फिर कोई सरकार बीच में गिर जाएगी तो क्या वहां दोबारा चुनाव ही नहीं होगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? देश का चुनाव हुआ मान लीजिए लोकसभा का,
लोकसभा की जो सरकार बनेगी चुनाव के बाद, 5 साल का कार्यकाल वो नहीं पूरा कर पाती, 2 साल में सरकार गिर जाती है तो देश का चुनाव नहीं होगा। ये क्या करना चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे, मोदी जी समझ के बाहर है। तो इसलिए जो इस समय मुद्दे हैं देश के सामने वो बहुत महत्वपूर्ण है, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, और उसके नाम पे जनता वोट देगी। आज मैं लखनऊ शिक्षक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में आया हूं और हमारे पार्टी के लिए शिक्षा ही प्राथमिकता है, स्वास्थ्य प्राथमिकता है, हम इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं। अच्छे शिक्षक हों, अच्छी शिक्षा हो, बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर आगे निकले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी के लिए हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पे एक बात मुझसे छूट गई थी, ये कहीं ना कहीं दल बदलुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे बार बार अगर आप अपने दल बदलोगे तो जनता इसको भी पसंद नहीं करती। अब जैसे राजभर जी की मैं बड़ी इज्जत करता था, उन्होंने पिछड़ों के लिए बहादुरी से खड़े होकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे पिछड़े नेताओं को चप्पल उठानी पड़ती है। राजभर जी ने यह भी कहा